हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और ये कल रात में मैंने बनाई थी, यानी वेडनेसडे को सब्जी बनाई थी। तो ये है, आज बना रही हूँ मैं केले की सब्जी। यस, तो केला उबालने के लिए रख दी हूँ। और इधर थोड़ा ना ठंड आने वाली है, तो ये लोहे वाली कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको भी आजकल घिस रही हूँ पर साफ़ नहीं हो रहा है, तो आज नींबू डाल के साफ़ कर रही हूँ, देखूँ साफ़ हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे केला मैंने बॉयल कर लिया है, बस हल्का फुल्का कसर रह गया केले में। और यहाँ पे 2-3 चम्मच मैं डाल रही हूँ बेसन, और इसको अच्छे से मैं मेल्ट कर दूँगी। इसमें हल्दी और नमक डाल के, और थोड़ा सा 1-2 हरी मिर्च डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें। और इसी में मैं हींग डालूँगी, और 1 कटी हुई प्याज मैं डाल दूँगी, 2 बारीक कटी हुई प्याज रहेगी। और इसी में थोड़ा सा अदरक भी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा घिस लिया था। बस अब इसको मिक्स कर दूंगी। तो चपटा चपटा मैं बना के रखती हूँ, और यही चपटा चपटा मैं डालूंगी ऑयल में। तो यहाँ पे लाल हो गई है पकौड़ी, अब इसको निकाल देती हूँ। गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये, और अच्छी तरीके से अंदर तक कुक हो गया होगा। थोड़ा सा इसकी धीमी आंच में इसको थोड़ा सा पका दूं थोड़ी देर के लिए, ताकि अंदर से और अच्छे से कुक हो जाए। इसको निकाल लेती हूँ साइड में। और इसको करना क्या है भाई, इसका रस उस कैसे अंदर जाएगा, उसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास। उससे पहले जितनी बची हुई पकौड़ियाँ हैं उनको भी डाल दूँ मैं इसी के अंदर। और अंदर डालते डालते ना ऐसे ऑयल करके ऐसे बाहर निकालते रहना है, ताकि जो है ऑयल से ये बाहर निकला रहे, क्योंकि ऑयल कम है पकौड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे करती रहूँगी मैं। और ये ऐसे गया, और इसको धक्के मार के इधर कर दूँ, तो भाई थोड़ा सा ऑयल इधर उधर सरका दूँ। तो बड़ी मुश्किल सी बात हो गई है मेरे लिए। लीजिए सरका दी मैं ऑयल, इसको थोड़ा सा मीडियम आंच में पकने देती हूँ। और इधर चलिए अब सब्जी की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट मेरा हुआ ही है, सब्जी की तैयारी हुई ही है। तो इधर 1-2 प्याज कटे हुए हैं, और चलिए रुकिए ले चलते हैं, पति देव को भी दे देते हैं और बच्चे को भी, एक एक पकौड़ी पसंद आएगा तो और भी दे देंगे। कैसा है कैसा है जी? ऊपर से इतना क्रंची है। चीकू सोए हुए हैं, जगेंगे तो ज़रूर चाहिए उनको, तो उनके लिए भी रख दूँ। और इतना काफ़ी है हम लोग के सब्ज़ी के लिए। तो ये दोबारा मैंने पकौड़ी इसमें डाली है, और ये भी हो गया है। और मैंने इसमें कम ही ऑयल डाला है, क्योंकि तेल फिर बच जाता है, फिर उसको इधर उधर रखना पड़ जाता है ऑयल को, और मुझे अच्छा नहीं लगता इधर रखना। और वैसे भी आजकल कहा जाता है कि ऑयल को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो ये घर का ऑयल है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितना में काम हो उतना ही डालो ऑयल, ज़्यादा नहीं। तो ये केले की पकौड़ी जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं मतलब सोखती है। तो यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ बनाने सब्ज़ी। तो सबसे पहले इसमें हींग डालूँगी, और फटाफट से इसी में मैं प्याज डाल दूँगी, और तेज़पत्ता डाल दे रही हूँ, सॉरी मैं भूल रही थी। तो तेज़पत्ता के बाद प्याज भी डाल दूँगी फटाफट से, और प्याज डाल के फटाफट से इसको अच्छी तरीके से लाल भून लूँगी। उसके बाद ही इसमें मसाले पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं मसाले में लहसुन मिर्चा जीरा पीस के रख ली हूँ, और गर्म मसाला मैं अलग से पीस के रख लेती हूँ, तो वो सूखा रहता है मेरा। तो यहाँ पे मैं लहसुन मिर्चा जीरा पिसा हुआ डाल दी हूँ, और ये है गरम मसाला, फिर डालूँगी यहाँ पे पहले हल्दी और नमक डाल दूँगी, उसके बाद से मैं 1 चम्मच में गरम मसाला डालूँगी, फिर इसको खूब अच्छी तरीके से लाल भून लूँगी। और लाल भूनने के बाद ही इसमें मैं पानी डालूँगी। तो इसमें मैं टमाटर भी डालूँगी, टमाटर खूब अच्छी तरीके से पतले पतले काट ली हूँ, और फिर इसमें टमाटर डाल के खूब अच्छी तरीके से लाल इसको भून लूँगी। और यहाँ पे फोक स्पून से मैं इसको एक एक बार ही बस फोक से इसमें मतलब छेद करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि ज़्यादा करने से ये बाद में सब्ज़ी में डालने से ये मतलब फैल जाएंगे, फट जाएंगे। तो बस फोक से मैं एक ही बार ही बस इसको मतलब छेद कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मेरे मसाले भुन के हो गए रेडी, और फटाफट से इसमें मैं पानी डाल दूँ, और पानी 2 गिलास मैंने डाला है, जितना मुझे पकौड़ी के लिए ज़रूरत है। और ये जब पक जाएगा फिर इसमें मैं पकौड़ी डालूँगी। तो यहाँ पे ये पक के हो गया है रेडी, तो बस इसमें फटाफट से मैं पकौड़ियाँ सारी डाल दूँ। और उसके बाद से देखिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से डाल लूँ, क्योंकि मुझे कैमरा एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऊपर ऊपर से ही डाल रही हूँ। खैर ये अब पक के हो गया है मेरा मसाला रेडी, तो उसी में फटाफट से मैं ये डाल दूँगी पकौड़ियाँ। और पकौड़ी डालने के बाद 5 मिनट ही बस इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, और धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दी हूँ। 5 मिनट पकाने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगी और सब्ज़ी हो जाएगी मेरी रेडी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई रेडी, और जा रही हूँ मैं खाना देने इनको। तो सच में ये बहुत टेस्टी आज सब्ज़ी बनी थी, और पकौड़ी भी, तो आप सभी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना है प्लीज़।